कविता के अनेक रंगों को समर्पित है नई धारा रेडियो की प्रस्तुति प्रतिदिन एक कविता। कीजिए अपने हर दिन की शुरुआत एक कविता के साथ। आज सुनिए निर्मला पुतुल की कविता अगर तुम मेरी जगह होते। सुनिए ये कविता मेरी यानी आरती की आवाज में। जरा सोचो कि तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी, तो कैसा लगता तुम्हें? कैसा लगता अगर उस सुदूर पहाड़ी की तलहटी में होता तुम्हारा गांव और रह रहे होते तुम घास फूस की झोपड़ियों में गाय बैल बकरियों और मुर्गियों के साथ, और बुझने को आतुर ढिबरी की रोशनी में देखना पड़ता भूख से बिलबिलाते बच्चों का चेहरा, तो कैसा लगता तुम्हें? कैसा लगता अगर तुम्हारी बेटियों को लाना पड़ता कोस भर दूर से ढोकर झरनों से पानी, और घर का चूल्हा जलाने के लिए तोड़ रहे होते पत्थर या बिछा रहे होते सड़क पर कोलतार, या फिर अपनी खटारा साइकिल पर लकड़ियों का गट्ठर लादे भाग रहे होते बाजार की ओर सुबह सुबह नून तेल के जुगाड़ में? कैसा लगता अगर तुम्हारे बच्चे गाय बैल बकरियों के पीछे भागते बगाली कर रहे होते और तुम देखते कंधे पर बैग लटकाए किसी स्कूल जाते बच्चे को? जरा सोचो ना, कैसा लगता अगर तुम्हारी जगह मैं कुर्सी पर डट कर बैठी चाय सुड़क रही होती चार लोगों के बीच, और तुम सामने हाथ बांधे खड़े अपनी बीमार भाषा में रिरिया रहे होते किसी काम के लिए? बताओ ना, कैसा लगता जब पीठ थपथपाते हाथ अचानक मापने लगते मांसलता की मात्रा, फोटो खींचते कैमरों के फोकस होठों की पपड़ियों से बेखबर केंद्रित होते छाती के उभारों पर? सोचो कि कुछ देर के लिए ही सोचो, पर सोचो कि अगर किसी पंक्ति में तुम सबसे पीछे होते और मैं सबसे आगे, और तो और कैसा लगता अगर तुम मेरी जगह काले होते और चिपटी होती तुम्हारी नाक, पाँव में बिवाइयां होती, और इन सब के लिए कोई फप्ती कस लगाता जोरदार ठहाका? बताओ ना, कैसा लगता तुम्हें? कैसा लगता तुम्हें? आज की कविता को आप पॉडकास्ट के शो नोट्स में पढ़ सकते हैं। आप जहां भी प्रतिदिन एक कविता सुन रहे हैं वहां अपने कमेंट्स शेयर करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि नई धारा रेडियो की ये प्रस्तुति हर सुबह आपके व्हाट्सएप पर आ जाए तो हमें इस नंबर पर मैसेज भेजें 7428775376। कल एक और कविता के साथ फिर मिलेंगे।